ओके तो और मेरे भाई लोग कैसे हो? तो फिर से बोल चुका हूँ आप लोगों के लिए बीजीएमआई की और भी एक कमाल की वीडियो लेकर। तो देखो भाई, कुछ दिनों से शायद आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा कि मैंने जो अपना जिगल है वो भाई पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। पहले भाई जिस टाइप से मैं जिगल देता था उस टाइप से मैं भाई अब जिगल देता नहीं, थोड़ा सा मैंने भाई चेंज किया अपने जिगल को। तो मैंने भाई अपने जिगल को क्यों चेंज किया एंड जो नया वाला जिगल मैं देता हूँ उसमें भाई मेरे को क्या फायदा मिलता है, और ये जो नया वाला जिगल मैं देता हूँ क्या भाई आप लोगों को इस वाले जिगल को सीखना चाहिए, आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या भाई आप लोगों को फायदा मिलेगा, तो इसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाला है। तो ये वाला वीडियो भाई आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना और इस वीडियो का लाइक के मैं भाई लोग आप लोगों को बता देता हूँ 1K, ठीक है? 1K लाइक भाई आप लोगों को इस वीडियो में करवाना है, मुझे पता है आप लोग करवा दोगे। तो एक एक लाइक सारे भाई मिलकर वीडियो में कर देना। अब लोग चलो यहाँ पे दिन बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट से भाई इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब भाई जब मानो कोई बंदा आपके सामने कुछ इस तरीके से जिगल देता है तब भाई आपको पता है कि बंदे का जो हेड है उसको ट्रेस करना भाई कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे भाई जब आप देख सकते हो जो क्रॉस हेयर है वो हेड से भाई कितना ज्यादा दूर है। अब इस बंदे को फिनिश करने के लिए भाई साहब आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और अगर सामने वाला बंदा जो है उसका मतलब एम अगर अच्छा हो वो भाई आपको बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से फिनिश कर देगा। अब भाई साहब मानो कि बंदा आपके सामने कुछ इस तरीके से जिगल दे रहा है तब भाई साहब आप यहाँ पे देख सकते हो बंदे का जो हेड है उसको ट्रेस करने में आपको भाई ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ क्रॉसियर को भी भाई ज्यादा लेफ्ट राइट आपको करना नहीं पड़ेगा। अब भाई बंदा इस तरीके से आपके सामने कभी भी जिगल देगा नहीं, है ना, ये चीज तो भाई आप लोगों को पता है। तो ये जो सिचुएशन है ये भाई आप लोगों को क्रिएट करना होगा खुद से, भाई ये वाला सिचुएशन आप लोगों को क्रिएट करना होगा। तो चलो भाई फटाफट से बता देता हूँ कैसे आप लोगों को ये वाला सिचुएशन क्रिएट करना है। अब भाई साहब यहाँ पे आप लोग मेरा थोड़ा सा मतलब सस्ता एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है? अब ये नंबर वन जो है ये मानो कि बंदा है, और ये जो नंबर टू है मानो कि भाई ये आप हो। अब यहाँ पे सामना सामनी भाई 1v1 फाइट जब होगा जिगल टू जिगल, ठीक है, तब भाई यहाँ पे सीन क्या होगा, यहाँ पे भाई बराबरी का फाइट होगा। बंदा जितना बुलेट आपको कनेक्ट करेगा आप भी भाई उतना ही बुलेट बंदे को कनेक्ट करोगे, और यहाँ पे भाई साहब फाइट को वही यहाँ पे विन करेगा जिसका मतलब यहाँ पे एम और एक्यूरेसी तगड़ा होगा। और एक झलक भाई आप यहाँ पे देखो यहाँ पे सीन क्या होगा, यहाँ पे अगर फाइट होता है भाई 90% चांस है कि भाई फाइट को यहाँ पे आप ही जीतोगे, क्योंकि भाई यहाँ पे सीन क्या होगा बंदे का मतलब बंदा जितना भी फायर करेगा सारा बुलेट भाई बंदा का यहाँ पे मिस जाएगा, लेकिन आप भाई जितना भी फायर करोगे सारा का सारा बुलेट भाई बंदे के बॉडी पे या फिर भाई हेड पे जाके कनेक्ट होगा। अब इस वाले फाइट के ऊपर भाई आप थोड़ा सा ध्यान दो, आप भाई समझ जाओगे कि इस वाले जिगल को करते कैसे एंड भाई इसका फायदा क्या है। अब यहाँ पे मैं भाई लेफ्ट की तरफ जॉस्टिक को खींच के भाई बंदे के ऊपर फायर कर रहा था। अब मानो कि भाई मैं लेफ्ट एंड राइट जिगल देता तब भाई यहाँ पे क्या सीन होता, मैं भाई जॉस्टिक को राइट की तरफ करता तुरंत, ठीक है, और बंदा भाई किधर की तरफ फायर कर रहा है आप भाई यहाँ पे एक दफा देख सकते हो। बंदा भाई यहाँ पे राइट की तरफ फायर कर रहा है, मतलब भाई बंदे का जो पूरा ध्यान है वो है भाई मेरे राइट की तरफ, ठीक है। अगर मैं भाई यहाँ पे राइट की तरफ जाऊंगा मतलब जॉस्टिक को अगर थोड़ा सा भी राइट की तरफ करूंगा भाई बंदा यहाँ पे मेरे को बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से फिनिश कर देगा, क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर बंदे यही सोचते हैं कि भाई आप आओगे एंड भाई उतना सा ही एरिया वहाँ पे कवर करोगे, ठीक है, लेकिन भाई आपको ऐसा करना नहीं है। जिधर की तरफ भी जाओ, मानो लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट की तरफ भाई आपको जॉस्टिक को खींच के लेके चले जाना है, मानो कि भाई आप मतलब राइट की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको भाई जॉस्टिक को राइट की तरफ ही खींच के लेके जाना है, उसके बाद फायर करना है। और इस वाले जिगल का फायदा इतना ज्यादा है ना मैं भाई लोग आप लोगों को क्या ही बताऊं, कोई बंदा भाई सोचता भी नहीं कि आप भाई इतना लंबा एरिया भी कवर कर सकते हो, और जब तक भाई बंदा सोच के एम को घुमाएगा ना तब तक भाई आप बहुत ही ज्यादा इजिली तरीके से बंदे को फिनिश भी कर दोगे। अब मानो कि भाई आप थर्ड लेआउट पे खेल रहे हो तब भाई जॉस्टिक को आपको थोड़ा सा अच्छी जगह पे प्लेस करना होगा, ठीक है, अब ऐसी जगह पे प्लेस करो मतलब जहां से आप जॉस्टिक को आराम से लेफ्ट की तरफ भी लेके जा सको एंड भाई राइट की तरफ भी लेके आ सको एंड भाई नीचे की तरफ भी लेके आ सको, ठीक है। आप इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को बोर्ड वाले लोकेशन पे आ जाना होगा एंड साथ ही साथ भाई आप इसको डिफरेंट 3 में सेट करना होगा ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा हेड लगे, उसके बाद ठीक है बॉट के हेड पे एम करना होगा आपको एंड जॉस्टिक को लेफ्ट की तरफ लेके मतलब खींच के लेके चले जाना होगा या फिर भाई राइट की तरफ खींच के लेके चले जाना होगा। और यहाँ पे भाई साहब आप देख सकते हो मैं इस चीज को किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसी तरीके से भाई आपको इस वाले चीज को प्रैक्टिस करना है। आप साथ ही साथ भाई कैसे लेगी ये वाला वीडियो प्लीज भाई मुझे कमेंट करके बता देना। और साथ ही साथ एक चीज भाई लोग मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे भाई बीजीएमआई अनबैन होगा मैं भाई अपने चैनल पे 20 रॉयल पास का गिव अवे करने वाला हूँ। मेरे पॉपुलरिटी में टॉप 20 में जितने भी बंदे रहेंगे सबको मैं रॉयल पास देने वाला हूँ, तो आप जाके भाई मुझे पॉपुलरिटी दे सकते हो एंड मैं टॉप 20 में सकते हो। और ये रहा भाई मेरा आईडी नंबर, जाके भर दो। और इसी तरीके से और भी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ साथ जो भाई बेल नोटिफिकेशन है उसको भाई ऑल पे कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूं भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।